मतलब एकदम घटिया गाड़ी जो कि आप लोग अभी जिंदगी में लेना ही नहीं चाहिए। अपने गाड़ी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ भी कमाई नहीं है इस गाड़ी से इनका इस समय क्योंकि महादू कौड़ी का गाड़ी है। इंजन ब्लास्ट, मतलब इंजन फट जाना यार। किसी को निर्णय नहीं चाहिए, सब गाड़ी घटिया गाड़ी है, मतलब इतना ज्यादा ये बर्बाद हो चुकी है इस गाड़ी को लेकर ना। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। पहले बता दे, हमारे ये चाचा है, ठीक है, और इस गाड़ी में बैठे हुए ना, मतलब ये हमारे गुरु भी हैं और हमारे चाचा भी हैं। तो यही गाड़ी मैंने सीखा था पहले, मतलब पिकअप लेने से पहले कुछ प्लानिंग हुआ था, गाड़ी सीखना था, मुझे कोई भी नहीं सिखा रहा था। तो हमारे चाचा जी ने बोला यार हाँ, मैं तो टेंशन क्या चीज का लेते हो, हम भी बंगाली और चाचा जी बंगाली, ठीक है, तो हमारे घर के पास में रहते हैं। तो बता दे भाई, ये गाड़ी चाचा जी जब से लिए हैं तब से परेशान है। पहले ऑटो चलाते थे और इनका अपना भी बहुत सारा काम था, आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन इनका बहुत सारा काम था, ठीक है। तो वो सब काम छोड़ने के बाद सोचे कि ऑटो चलाएं, ऑटो अपना खुद का लिया, ऑटो वगैरह चलाने के बाद ऑटो बेच दिया, सोचा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फोर व्हीलर लिया जाए। तो कमर्शियल गाड़ी, कमर्शियल नंबर में इन्होंने एक फोर व्हीलर निकाला। जब से ये गाड़ी लिया ना, तब से हमारे चाचा जी एकदम बर्बाद हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। क्यों परेशान है, आप लोगों को ये गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहिए, ये कौन सा गाड़ी है, कौन से गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले। उसके पहले इस वीडियो को इसे कंटिन्यू करते हैं, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एकदम जबरदस्त वाला रिव्यू देने वाले हैं आप लोगों को। और जो मालिक का, मतलब ये गाड़ी का ऑनर है, इनका जो आप लोगों को बताएंगे ना, ये अपने मुंह से जो जो चीज बताएंगे वो एकदम 100% सच रहेगा, और आप लोग इन्हीं के मुंह से पूछिएगा, आप लोगों को बताते कुछ देर में। तो पहले गाड़ी से उतरते हैं और आप लोगों को चला के भी दिखाएंगे ये गाड़ी कैसा है, मतलब एकदम घटिया गाड़ी जो कि आप लोगों को अभी जिंदगी में लेना ही नहीं चाहिए। तो भाई आ चुके हैं गाड़ी से बाहर और बताते हैं ये कौन सा गाड़ी है। ये भाई हुंडई का एक्सेंट, ठीक है, ये हुंडई का एक्सेंट गाड़ी है। कौन सा मॉडल है चाचा, कितना साल पहले आप लिए थे गाड़ी को? 2018 मॉडल। तो 2018 मॉडल, मतलब सोच सकते हैं न्यू जनरेशन का गाड़ी है, बहुत पुराना मॉडल की गाड़ी ये नहीं है। इस गाड़ी को लेने के बाद अपने गाड़ी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ भी कमाई नहीं है इस गाड़ी से इनका इस समय गाड़ी को चलाना छोड़ के ऑटो चलाते हैं, लेकिन अपने गाड़ी को ये बेच भी नहीं सकते क्योंकि बैंक से ये गाड़ी फाइनेंस है, सबसे बड़ी बात है, आप लोग सोच लीजिए। ये गाड़ी को मैंने बेचने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत सारे ग्राहक आए, बोला कि भाई एक्सेंट जैसा दो कौड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहते हैं होंडे की सब गाड़ियाँ बेकार है, लेकिन होंडे की सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट गाड़ी, महादू कौड़ी की गाड़ी इसको कह सकते हैं, वो एक ऐसा ये गाड़ी है क्योंकि महादू कौड़ी की गाड़ी है होंडे एक्सेंट। सबसे पहले इसमें जो बीमारी आया था, बीमारी कह सकते हैं, सबसे पहला इसमें जो बीमारी आया था, इधर दिखाओ, इसका एक नोजल होता है, इसमें से मोबिल फेंक रहा था, ठीक है, यहाँ से मोबिल फेंक रहा था। और प्लीज़ जिसके पास होंडे का एक्सेंट गाड़ी है, आप लोग अगर अभी तक कमेंट नहीं किया क्या करो भाई, कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होंडे एक्सेंट गाड़ी को लेकर। तो ये बता दें, इसका इंजन चाचा जी ने एक बार बदलवा चुका है, मतलब आप ये सोच सकते, तीन बार। भाई साहब, मतलब हमारे सामने एक बार चेंज किया था, उसके बाद फिर से चेंज हो गया, मतलब टोटल इसका इंजन 3 बार बदलवा चुके हैं। बाकी आएगा कहानी, आपको इतना गुस्सा आएगा ना सोच के कि एक गरीब आदमी लाइफ में कुछ करना चाहता है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके साथ इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है, ठीक है, कंपनी के द्वारा। चाचा जी को फोर व्हीलर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। चाचा जी हुंडई कंपनी में पहुँचे, पहली बात बता दें ये टैक्सी नंबर गाड़ी है, चाचा जी ने टैक्सी नंबर लिया था और हमारे चाची के नाम से ये गाड़ी है, हमारे चाची के नाम से गाड़ी है। तो वही कमाने खाने के लिए थे, कंपनी में गए, बोले कि भाई हमें टैक्सी में लेना है, तो कंपनी वालों ने ये गाड़ी थमा दिया, जो कि उसके कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक दो गाड़ी बचा होगा, ठीक है। चाचा जी को ये गाड़ी थमा दिया, होंडे एक्सेंट, आप लोगों को दिखाते हैं पीछे से, चलिए ये देखिए, पीछे से कुछ गाड़ी ऐसा लगता है देखने में, ये देख सकते हैं एक्सेंट, देख लीजिए, और ये गाड़ी का नंबर है, जो भी हो नंबर भाई मेरे चाची जी के नाम से है। तो गाड़ी से कुछ भी इस समय कमाई दवाई कुछ भी नहीं है, और जो सबसे ज़बरदस्त बात आप लोगों को बताने वाले हैं ना, ये गाड़ी में हमारे चाचा जी ने कितना खर्चा किया पता है? अच्छा आप लोग सोचिए, एक आप लोगों को मतलब मिनिमम बताते हैं, 1 लाख नहीं भाई, उससे भी ज़्यादा है, 2 लाख नहीं भाई, उससे भी ज़्यादा है। गाड़ी बता दें टोटल 7 लाख की गाड़ी है, 2 लाख खर्चा हुआ, नहीं 3 लाख, 3 लाख खर्चा हुआ होगा, नहीं ज़्यादा बोल दे, 4 लाख नहीं भाई, 5 लाख नहीं यार, थोड़ा ज़्यादा और बढ़ते हैं, 5.5 लाख रुपया खर्चा हुए हैं, 7 लाख रुपये का गाड़ी, 5.5 लाख रुपया चाचा जी अपने जेब से लगा के ये गाड़ी को बना चुके हैं। अब बता दें इसमें क्या क्या सिस्टम है, इस गाड़ी को क्यों नहीं चाचा जी बेच पा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी है बैंक से फाइनेंस, ठीक है, ये गाड़ी है बैंक से फाइनेंस। हमने ये गाड़ी को बहुत सारे कस्टमर चाचा जी के पास लेके आया, वो सब कस्टमर ऐसे मिल रहे थे
कि भाई आप मुझे गाड़ी दे दीजिए, मैं आपका लोन अगर भर दूंगा आप ये मुझसे 50,000 रुपये ले लीजिए। मतलब गाड़ी चाचा जी ने ये जो गाड़ी है ना एक लोग को बेच भी चुका था। एक लोग को बेचने के बाद क्या किया, वो बंदे ने पैसा नहीं भरा। चाचा जी क्या थोड़ा सा इनसे ही पूछते हैं, वो जो जिसको आप गाड़ी बेचे थे वो आपके साथ कैसा, मतलब उसका बिहेवियर कैसा था? उसको गाड़ी बना के दिया थे, गाड़ी बनाने के बाद उसको दे दिया जब पैसा भरो, और पैसा भरने के बाद तुम हमारे पास भी ट्रांसफर करो। तो अच्छा, अच्छा। गाड़ी खराब हो गया जी, जी। बनाया है, बनाने के बाद क्या चाहते हम नई गाड़ी लेंगे। तो भाई महीने के बाद गाड़ी आप ठीक कर, थोड़ा सा लैंग्वेज में मतलब प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि बंगाली है, तो हमारा थोड़ा सा क्या है कि रोड पे रहते रहते थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। बता दे भाई, इनका ये कहना है कि ये गाड़ी एक बंदा को इन्होंने बेचा था। वो बंदा क्या किया कि पैसा भरता ही नहीं था बैंक का, तो बैंक वाला क्योंकि इनके नाम से गाड़ी है तो बैंक वाला इनके ऊपर दबाव डालने लगी, भाई आपका लोन नहीं जमा हो रहा है। तो वो जो बंदा है इस गाड़ी से 3 से 4 महीना कमाई भी किया, कमाई करने के बाद चाचा जी को वापस गाड़ी वापस कर दिया। यही कहानी है ना, यही कहानी है, ठीक है। तो बता दे 5.5 लाख रुपए इसमें आप लगा चुके हैं। एक बार का बात बताइए, जब आपका इंजन ब्लास्ट हो गया था चलती गाड़ी में, कभी होता है क्या मेरे भाई इंजन ब्लास्ट, मतलब इंजन फट जाना यार बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्म की बात है कि इतना घटिया बनाने गाड़ी बनाने का क्या जरूरत है भाई। आदमी 7 लाख रुपए का गाड़ी लेके आप 5.5 लाख रुपए गाड़ी में लगा चुके हैं, बहुत ज़्यादा घटिया बात है ऐसे कंपनी के लिए, ठीक है। आप बताइए कि चलती गाड़ी में कैसे इंजन फटा था, जो भी बात एकदम खोल के बताइए। बिहार से आ रहे हैं, बिहार से आके बाद चंदली, थोड़ा सा चंदली के चंदली जो बॉर्डर है पास यूपी बिहार, चलते चलते गाड़ी आवाज आया, आवाज आने के बाद गाड़ी का मने इंजन फट गया। इंजन फट के मने क्या फटा था, इंजन मतलब कहाँ से फटा था बताइए, अंदर से ऐसे पूरा फट गया। अंदर से मने जब मोबाइल का ये बनता ना, नीचे से फटा था ऊपर से फटा था? नहीं नीचे से, नीचे से फट गया। कब्जा, कब्जा मने ये है ना तुम्हारा कब्जा, समझ रहे मोबाइल का फट गया। तो भाई सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उसमें दुख इनको हुआ होगा कि भाई न्यू गाड़ी बिहार से ये सवारी छोड़ के लौट रहे थे बनारस की तरफ। यूपी बिहार का बॉर्डर मतलब चंदौली सैयद राजा पे यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे इनका इंजन फट जाता है, ठीक है। इंजन फट के पूरा मोबिल अगर निकल जाता है 6 महीने के बाद तो नई गाड़ी हुआ चाचा, टेंशन नई गाड़ी है, 6 महीने का गाड़ी कोई बहुत पुराना नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा आप चलाए होंगे तो 30-40 हजार किलोमीटर चलाएंगे, उससे तो नहीं उतना चला चला था 16,000 किलोमीटर भाई, 16,000 किलोमीटर में इंजन फट जा रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब इंजन फिर खराब हो गया, इंजन बनवा लिए उसके बाद फिर से ये मोबिल चुने लगा, मतलब नोजिल से मोबिल है। अच्छा अच्छा, तो भाई इसका मोबिल उठाने लगा, अपने भाषा में बोले तो इसका मोबिल गाड़ी पीने लगा, ठीक है। तो इसका इंजन पूरा का पूरा खराब, तो इन्होंने क्या किया कि बाहर एक बार गाड़ी को बनवाया, ठीक है, क्योंकि कंपनी वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, कंपनी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि अपनी गलती नहीं है, ये आप अपने गलती से ख़राब किए हैं। न्यू गाड़ी 30 से 40 हज़ार किलोमीटर भी नहीं चला और इंजन ख़राब हो जाता है, कंपनी वाले बोलते हैं कि अपने गलती से आप इंजन ख़राब करके लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद चाचा जी ने क्या किया है, चाचा जी ने इसका जो सिलेंडर होता है सिलेंडर को गाड़ी का बनाया, मतलब बोरिंग करवाया, बोर करवा के फिर से इसका जो रिंग पिस्टन अगर है न्यू चेंज करवाया, फिर से ये प्रॉब्लम आ गया। मतलब जो बाहर का मिस्त्री बनाया था ना वो भी इनका पैसा भिड़ा के बैठ गया, मतलब अच्छे से इंजन को नहीं बनाया, यही बात है ना। कैसा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी को लेके, किसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बताइए। किसी को लेना नहीं चाहिए, ये सब गाड़ी घटिया गाड़ी है, ये गाड़ी का लेने में तब वो बर्बाद हो जाएगा। तो आप एक ऑनर के मुँह से सुन रहे हैं इस गाड़ी का रिव्यू, ये गाड़ी आप लेंगे तो बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी गाड़ी का बहुत ही मतलब कोई इसका कोई रेटिंग नहीं है, ये गाड़ी जो भी लेगा बंदा बर्बाद हो जाएगा। कहने का ये मतलब है भाई, हम लोग क्या है कि टैक्सी गाड़ी चला रहे हैं, 2 रुपए कमाने के लिए चला ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि कितना किस्त इसका आता है ये बताइए, 11,700 किस्त आता है, 11,780 कहाँ से भरते हैं आप, गाड़ी चलता ही नहीं तो कहाँ से भरते हैं, वही ऑटो चला के, ऑटो चला के। तो भाई अभी इनका क्या हालत है, किराए पे लेके ऑटो चला रहे हैं, मतलब अपने पास 7 लाख रुपए की गाड़ी है, ऊपर से चाचा जी किराए पे लेके गाड़ी चला रहे हैं और ऑटो की कमाई से फैमिली भी पालना है, 2-2 बच्चे हैं, वाइफ है, और ऑटो की कमाई से अपना ये गाड़ी का किस्त भर रहे हैं, मतलब ताकि आने वाले दिनों में अगर लोन चाहिए बैंक से, कोई गाड़ी दूसरा लेना हो तो ताकि इनका जो क्रेडिट है वो बना रहे बैंक से, ठीक है। इतना शर्म का बात है, हुंडई कंपनी को सोचना चाहिए मेरे भाई, इस तरीके से जो आदमी लोग को फंसाया जाता है ऐसा ना फंसाया जाए,
फिलहाल थोड़ा सा गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आप लोगों को थोड़ा चला के दिखाते हैं, क्योंकि मैंने ये गाड़ी चला के इसी गाड़ी से गाड़ी, तो भाई गाड़ी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताते हैं ये कुछ गाड़ी अंदर से। गाड़ी के अंदर कुछ भी मुझे कंफर्ट नहीं समझ में आता है, मतलब एक होता है ना एक लग्जरियस फील, वैसा वाला फील नहीं होता इस गाड़ी बैठ के। इससे बढ़िया तो भाई अपना पिकअप ही है, महिंद्रा बुलेरो पिकअप। सबसे बड़ी बात है कि अगला आदमी इतना परेशान है ना, इतना ज्यादा परेशान है कि मतलब आप लोग सोचिए 7 लाख रुपए की गाड़ी ऑटो चला के किस्त भर रहे हैं, ऊपर से 5.5 लाख रुपए इस गाड़ी में लगा चुके हैं, तो अगला आदमी कितना ज्यादा परेशान होगा भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सच सच कमेंट करिए, बताइए आप लोग हुंडई कंपनी को, और हुंडई कंपनी को इस वीडियो को शेयर भी करिए कि ऐसा गाड़ी ना बनाओ यार, इससे बढ़िया तो आल्टो है यार, इससे बढ़िया तो आल्टो है भाई, हम बोलते हैं इससे बढ़िया आल्टो है, क्यों नहीं आल्टो है यार, इससे बढ़िया आल्टो इसलिए है ना, अगर चाचा जी इस गाड़ी को ना तय करके ना, तय नहीं किया था इन्होंने, इन्होंने इनको पता ही नहीं था कौन सा गाड़ी लेना है, ये सिर्फ कंपनी में गए, कंपनी वालों ने ये गाड़ी थमा दिया। आप क्या बोले थे ये गाड़ी चाहिए आपको? नहीं आप नहीं बोले थे, नहीं। आप बोले थे कि टैक्सी में बढ़िया गाड़ी दे दीजिए, टैक्सी में चलाना है, तो आपको होंडा एक्सेंट थमा दिया, एक्सेंट थमा दिया यार, इसका माने जे टाइम से हम लिया था हमको, देखिए हमको जानकारी नहीं है, अच्छा अच्छा आपको अच्छा जो गाड़ी होता है वही गाड़ी हमको दीजिए। जो आदमी 7 लाख रुपए लगा सकता है वो अच्छा गाड़ी लेने के चक्कर में 8 लाख भी लगा सकता है, ठीक है, तो कंपनी वालों ने सबसे महारद्दी जो गाड़ी होता है वो थमा दिया। परेशान मतलब इतना ज्यादा ये बर्बाद हो चुके इस गाड़ी को लेके ना, अपने मतलब कर्जा ले लेके इस गाड़ी को बनवाए, 1 रुपया बचत कुछ नहीं समझ में आता भाई साहब। एक गाड़ी वाले हम भी हैं, चाचा जी भी गाड़ी वाले हैं, चाचा जी पहले से इस लाइन में है लेकिन किसी फ्रॉड के चक्कर में पढ़ के फंस गए चाचा जी, ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा चला के दिखाते हैं आप लोग गाड़ी। चल भाई गाड़ी के अंदर बैठ के एसी वगैरह मस्त चला लिया हूँ, थोड़ा चला के आप लोग को दिखाते हैं। ओ भाई बंद हो गया, एक सेकंड भाई। तो भाई यही वो गाड़ी है, इसी गाड़ी को मैंने सीखा था, और इसी गाड़ी को सीखने के बाद हम पिकअप चलाना शुरू किए हैं। मतलब पहले हम 4-व्हीलर नहीं चलाते थे, पहले हम ऑटो चलाते थे। ओ चाचा हट जाओ। तो यही वो गाड़ी है भाई जिसको मैंने चलाया था और शुरुआत किया था। चाचा जी ने बोला कि टेंशन मत लो, हम हैं तुमको गाड़ी सिखा देंगे। चाचा जी ने अपनी गाड़ी सिखाई थी, उस समय इंजन खराब था इनके गाड़ी का, ठीक है, और उस समय भी परेशान थे गाड़ी बनवाने के चक्कर में। इनका गाड़ी हम बिकवाने के लिए कहां से, एक बार नोएडा से आदमी बुलाए थे ना, मैंने OLX पे डाला था इनका गाड़ी, और नोएडा से इनसे मिलने के लिए, इनका गाड़ी लेने के लिए आदमी आए हुए थे कैश पैसा लेके। लेकिन क्या ही बताना भाई, इतना ज्यादा चाचा जी झेल चुके हैं इस गाड़ी को लेके कि परेशान रहते हैं हमेशा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए भाई, क्योंकि अगला आदमी गरीब आदमी है, इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा परेशान भाई, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि भाई 7 लाख रुपए का गाड़ी लेके और 5.5 लाख रुपया 7.5 लाख रुपए का 7.5 लाख रुपए गाड़ी लेके कितना 5.5 लाख रुपए, आप अपने मुंह से बोलिए, आप अपने मुंह से बोलिए चाचा जी, 5 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है, 5.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है हमारा, मिला था ये इधर ये 80,000 रुपया का, तो हमको छूट दिया है। अच्छा अच्छा 5.5 लाख रुपए में 80,000 रुपए का छूट आपको मिला है। फिलहाल भाई क्या ही बताए, ये गाड़ी में क्या है कि कुछ फंक्शन भी आप लोग को बता देते हैं, हर एक चीज। इंजन तो भाई महादुगौड़ी का है, बाकी कंफर्ट लेवल तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। बाकी एसी अगर है आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको लेके अगर घर पे 100 पीस में रखना हो, मतलब टैक्सी गाड़ी के लिए भूल के कतई मत लीजिएगा, प्राइवेट गाड़ी के लिए भी हम बोलेंगे कि मत लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल आपको अगर लोकल अगर चलना हो, जैसे 10-5 किलोमीटर में रहना हो, ऑटो रिक्शा जैसे यूज होता है ना, ऑटो रिक्शा की तरफ अगर यूज करना हो तो ये गाड़ी को आप ले सकते हैं। मतलब ऑटो से तो अच्छा ही है ना भाई, क्योंकि एसी अगर लगा हुआ है तो ऑटो से अच्छा है, तो ऑटो की तरफ आप यूज कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में कुछ भी मुझे फंक्शन नहीं समझ में आया। एयरबैग अगर दिया हुआ, एयरबैग दिया चाचा ने इसमें इधर? एक दिया है, तो ये एक ही एयरबैग वाली गाड़ी है, बाकी और कुछ भी इसमें फंक्शन नहीं समझ में आता है मुझे, एकदम सादा है भाई, कुछ भी इसमें कोई रेटिंग नहीं कुछ नहीं, और इंजन तो आप देख ही लिया आप लोगों ने, इतना ज्यादा चाचा जी हमारे परेशान है। तो फिलहाल भाई गाड़ी अगर तो चला के आप लोगों को दिखाई दिया, ये रहा हमारा चाचा जी की गाड़ी, और चाचा जी का ये कहना है कि हुंडई का हर एक गाड़ी खराब नहीं होता, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट है ऐसा गाड़ी है कि महादुगौड़ी गाड़ी है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, क्या चीज़ आप लोग सीखे हैं और किसके किसके पास हुंडई एक्सेंट गाड़ी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कौन कौन बंदा कितना परेशान है इस गाड़ी से, क्योंकि कंपनी वाला भी अगर देखे ना उसको पता होना चाहिए आप लोग कमेंट से कि ये गाड़ी से कितना ज़्यादा आदमी परेशान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, ऐसे प्यार में वो सपोर्ट बनाए रखिए, और ऐसे वीडियो देखना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके जाना है, मिलते हैं अलग वीडियो, टाटा।